की तबीयत बिगड़ गई है। लखनऊ में मेदांता के आईसीयू में उन्हें शिफ्ट कराया गया है। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। रविवार को आजम खान को मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आ रही है, जहां कोरोना संक्रमित आजम खान की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल के आईसीयू में शिफ्ट कराया गया, जबकि उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की हालत स्थिर बताई जा रही है। रविवार को आजम खान को मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था।